नमस्कार साथियों, सबसे अच्छी बात है कि इस पैनल में ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। इस पैनल को हम सब फॉलो करते हैं ट्विटर, फेसबुक और ट्विटर पर। सभी चेहरे चिरपरिचित चेहरे हैं, तो मैं सीधे सीधे उस समय का भी अभाव है सिर्फ सवाल शुरुआत करूंगा। डिजिटल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा नेशनल या अर्बन मीडिया है वो कैमराइज तैयार है, उनके पास अच्छा रेवेन्यू है, उनकी बैलेंस शीट बहुत मोटी मोटी हमको दिखाई देती है। असली चुनौती जो है वो हमारी क्षेत्रीय मीडिया की है। पहला सवाल मैं अपने सब पहले से यही करूंगा कि क्षेत्रीय मीडिया में हम खबरों पे बात करते हैं तो उन खबरों के साथ हमारे पत्रकार और रिपोर्टरों को कितना खतरा होता है। मैं अजय सुभाष से स्टार्ट करूंगा कि हम लोग अपनी बात एक एक मिनट में इस पर कहें कितना खतरा है जब हम खबरों के साथ काम करते हैं। आज देखिए, मुझे लगता है कि हम खबरों पे चल रहे हैं तो हमें कोई खतरा नहीं होता है। जो खतरा है वो बेसिकली रेवेन्यू को लेकर के, जो सबसे बड़ी समस्या पूरी कंट्री में इस समय मीडिया इंडस्ट्री में है वो रेवेन्यू को लेकर के, और रेवेन्यू को हम कैसे फोकस करें ये हमारे लिए आज मानना होता है। हम जर्नलिस्ट होते हुए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आधार मजबूत नहीं होगा तो निश्चित रूप से इमारत गिरेगी। इसलिए जरूरत है कि जर्नलिस्ट भी उस दिशा में सोचे कि कैसे एथिक्स को फॉलो करते हुए हम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। और खबरों को लेकर के सदैव एक मंत्र बिल्कुल है कि जो है जैसा है जहां हम उसको उसी तरह से प्रस्तुत करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कहीं क्लैश नहीं होगा बहुत ज्यादा, और जब क्लैश नहीं होगा तो आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। इसका उदाहरण हमारे पास में हमारा इंडिया को हरियाणा है। इंडिया के हरियाणा में हम अभी पिछले हफ्ते की जो टीआरपी है वो 52.8% है। अब हम इस पोजीशन पे खड़े हैं, पिछले 10 सालों से नंबर वन पे हैं, इसलिए है क्योंकि हमने ये मंत्र वहां अपनाया। और ये तब अपनाया जब हमारी खुद मीडिया हाउस के वहां पर तमाम सारे इंटरेस्ट थे, लेकिन हमने उनको किनारे किया और हमने उस चीज को देखा कि हम ये उस पर चलेंगे तो क्या फायदा हो। और अंततः हमारी इंडस्ट्री को भी फायदा हुआ, हमारे लोगों को भी फायदा हुआ और चैनल आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है यह तरीका अपनाएंगे तो बेहतर। किस तरह से आपके पास चुनौती आती है डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी उस तरह के होते हैं जो पूरी टेक्नोलाइज नहीं होते जिस तरह पे नेशनल मीडिया है, तो कम संसाधनों में कैसे बढ़िया खबर निकालते हैं आप लोग? मीडिया की बात करें तो संसाधन की कमी से ज़्यादा सबसे बड़ी जो चुनौती होती है ऑल राउंड ये होती है कि जिस तरह से मीडिया की क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को हिस पहुँची है और जिस तरह से लोगों का भरोसा जो है मीडिया पे गिरता है दिख रहा है, उसमें जब उन्हीं की भाषा में वो जब बताती है उन्हीं की बात जो आती है तो कई बार क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल ज़्यादा होते हैं। जब उनके आस पड़ोस की बात होती है तो वहाँ एक बड़ी समस्या, एक चुनौती ये आती है पत्रकार के लिए, क्योंकि बात आज आज का जो ऑडियंस है बड़ा एक्सपोज ऑडियंस है, वो डिजिटल में इंग्लिश भी कंज्यूम कर रहा है, हिंदी भी कंज्यूम कर रहा है, हिंदी भी कंज्यूम कर रहा है, जिस तरह से वो न्यूज़ को एज थोड़ा एज कमोडिटी देख रहा है। डिजिटल मीडिया के पास या आपको उन्हीं की लैंग्वेज में अगर खबर दिखानी है सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि आप उसे पैकेज कैसे करेंगे, आप उस न्यूज़ को प्रस्तुत कैसे करेंगे। तो वहाँ रिसोर्सेज की कमी की वजह से आज डिजिटल मीडिया के पास एक बड़ा चैलेंज है। फैक्ट इस पूरे डिस्कशन में हमने खतरा जो डिस्कस करें हम डिजिटल मीडिया के साथ डिस्कस करें और किसी मीडिया के साथ हम खतरा एसोसिएट नहीं करते, दैट इटसेल्फ सेज कि खतरा है। और खतरा मुझे लगता है सबसे बड़ा क्रेडिबिलिटी का रिसोर्सेज का। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो एरिया है जहाँ से अक्सर खबरें आती है पत्रकारों की मौत की, ये वो मौत होती है, खनन माफिया गला होता है, पर्यटकों का संरक्षण गला होता है, ऐसे में किस तरह की चुनौती आप लगातार देखते हैं जब आप खनन माफिया के खिलाफ खबरें करते हैं? और ऐसा नहीं है कि ये अभी गवर्नमेंट दिखाई देती है, पहले भी इस तरह की घटना होती रही है, पहले भी इस तरह के माफिया खनन को लेकर काम करते रहे हैं, लेकिन खबरें नहीं आती हैं या उस बंगाली के साथ वो आपके टीवी चैनल पर या हॉल में नहीं होती थी। अब चूंकि मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है बिजनेस मीडिया के कारण, अब वो आपको कस्बे तक, ब्लॉक तक, तहसील तक उसके रिपोर्टर्स होते हैं, तो वो बातों को उस तरीके से स्क्रीन पर पहुँचाते हैं। स्क्रीन पर पहुँचाने का रिएक्शन होगा, शुरुआती दौर में माफिया को लगता है कि कुछ नहीं होगा,
अगर घटना कर कर दिया जाएगा तो चीज़ें दब जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह की घटना हुई कोरेला में, हमने देखा उत्तर प्रदेश में हमने देखा, और उसके बाद हम घटना दर में कमी दिया। जहाँ तक छत्तीसगढ़ क्या बात कर रहे हैं, इलाके में कुछ घटनाएँ हुई हैं जिसकी दस्तक पूरे सुदूर इलाकों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक देखी गई, उसमें भी कमी है। सरकार ने उन चीज़ों पर गौर किया। खतरा शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि चाहे वो राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो, सबसे बड़ा खतरा जो हम देख रहे हैं वो खतरा विचारधारा का जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। उसके लिए कौन सा वैक्सीन है, कम से कम मैं तो अभी तक नहीं सोचता। अमिताभ जी, आप चूंकि दशकों से जुड़े हुए क्षेत्रीय मीडिया से, तो इन खतरों के बीच में आपसे पूछूंगा कितना ताकतवर है आपके क्षेत्रीय मीडिया का? चार लाइन लिखा के ले जाता है, कहा हर मानू
रघुवा ठीक को अनिल चुप अंग्रेजी में बोल रहे हेलो हाय एवरीबॉडी नहीं ना यही डिस्प्ले की ताकत है जो नेता को भोजपुरी बुलवा रहे हैं चुनाव के मंच पर यही हमारी ताकत है यही रीजनल अखबार की ताकत है यही रीजनल चैनल जैसा अभी आपने विविधताओं की बात करी और ताकत की बात की तो यही इस पैनल की ताकत है हमारे साथ हिंदी में अजय जी थे अमिताभ जी हैं वाशिम जी हैं हमको ये हमारे साथ गुजराती से हमारे साथ रवि जी भी किसी पंजाबी से भी है तो ये इसकी ताकत है कि पैनल में विविधताओं से भरा हुआ है रवि जी मेरा आपसे सवाल है चूंकि आप अपना नेटवर्क देख रहे हैं तो व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस फॉर रनिंग द पीटीसी नेटवर्क और नेटवर्क विच हैव अ रीजनल सो मच स्कोप बट व्हाट रेवेन्यू हाउ यू कैन गेट फ्रॉम द एडवर्टाइजर्स बेसिक बात यह पहले तो मैं तस्वीर करता हूँ कि रीजनल मीडिया जो है वो किसी खतरे में है या वो कोई सेकेंड लेवल पे या कोई कंट्री पे ऐसा है ना इट इज़ हाउ यू रन इट पंजाब ने उन्होंने इम्प्रूव किया है पिछले 11 साल से उन्होंने चैनल चला रहे डिसाइड अदर सिक्स अदर चैनल आई वुड से द बिगेस्ट नेटवर्क इन रीजनल लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज में 7 चैनल नहीं हमारे पास है और जहाँ तक न्यूज़ की अगर आप बात करें यू आर नंबर वन इन द रीजन ahead of any Hindi, English or any other media, कोई ये सरकार आए कांग्रेस आए बीजेपी या पार्टी आए कोई आए वी आर रिमेन नंबर वन तो खतरा तो नहीं है दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी आर्मी में जवान हो सुन तो इसमें बड़ा खतरा है बम गोलियों से प्रोफेशनल जर्नलिज्म चुनाव तो खतरा क्या है इसमें तो डेली ऑक्यूप हमारा वर्क हैजर्ड चलते हैं वो है और इनसे टैकल करते हैं दी आइडिया इज हाउ कीनली योर व्यूअर्स फॉलो यू अगर आपके पास डेडिकेटेड व्यूअर हैं जो आपको बात सुनते हैं समझते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं तो आपका कोई खतरा नहीं ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरी बात है रीजनल को ये सोचना बंद कर देना चाहिए हम किसी रीजन में फंसे हुए हैं ये ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जो हिंदी भाषी रीजनल चैनल हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है हिंदी के मेन चैनल हैं उनको ज़्यादा लोग पहले फॉलो करते हैं उनमें बड़े बड़े नेता बोल रहे होते हैं और हमारे पास तभी आते जब इलेक्शन होता तब क्योंकि छोटे नेताओं को तब जरूरत पड़ेगी ये आइडिया है कि अगर हम अपना दायरा ही बड़ा करें तो नेचुरल हमारी ऑडियंस भी बड़ी हो जाएगी जैसे हमने पंजाबी रख दिया वी आर वेरी बिग इन कैनेडा वी वेरी बिग इन यूएसए 19 पंजाबी एमपीज इन कैनेडा सिमिलरली अगर भाषाओं में अगर देखें उनके भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ हमने दफ्तर खोले स्टूडियो खोले वी आर द ओनली इंडियन कंपनी विच हैज अ स्टूडियो इन कैनेडा विच हैज अ स्टूडियो इन यूएसए एंड लंडन And we do, when we do discussions here, there is a participant sitting from Canada, from USA, from UK, from Jalandhar, from Amritsar, and from Delhi. And then the panelists are discussing on a global perspective, a small problem. अगर हम खालिस्तानी के बारे में बात करें, problem issue करें, चार panelists होते हैं, ये अमृतसर या चंडीगढ़ से, तो ठीक है, इतनी वही रह जाएगी बात. अगर आपके पास global panel है, global perspective है, आपके पास दायरा है, audience, आपकी power और आपकी बात अब ज़्यादा बड़ी है. फिर आप नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जस्ट लॉन्च ऐप ऐप के जरिए जो 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 आदमी कहता है कि मैं मोबाइल पे पहुँचता हूँ यहाँ पहुँचता हूँ इसके हमारे बीच है तो हमारे लिए बेसिक बात की एफर्ट आप कितना कर रहे हैं अपने काम में कितने पैशन से कितनी शिद्दत से आप अपना काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करेगा कि आपकी कितनी फॉलोइंग होगी कितनी रिस्पेक्ट होगी और आप कितने रेलिवेंट अगर आप रीजन में हैं रेलिवेंट ही नहीं है छोटी मोटी बातें कर लेते हैं तो रेलिवेंट शुक्रिया रविंद्र जी वाशिम जी आपसे मेरा सुनना सवाल है कि अभी जिस तरह से कोई कहने की खतरा है या नहीं है आप क्योंकि 2-3 दशकों से लगातार क्षेत्रीय मीडिया में जुड़े हुए हैं तमाम रिपोर्टरों से बात होती है इस तरह की खबरें आती हैं हम देखते हैं कि इस तरह की हत्याओं की खबर आती है तो क्या लगता है आपको कि रीजनल मीडिया पर जो भी कंटेंट को लेकर रिपोर्टर्स पर खतरा रहता है या जैसे हमारे पैकेज के खतरा नहीं है वो चैलेंज है जिसको हम लोग आज बार बार देखते हैं मुझे लगता है कि अगर आप खबर तक सीमित हैं और खबर आप निष्पक्षता से दिखा रहे हैं और उस खबर के पीछे आपका कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है तो किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं खतरे की शुरुआत तभी होती है जब आप खबर में आपका पर्सनल एजेंडा डालने की कोशिश करें या किसी के कहने को किसी के एजेंडा को अपने माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करें तभी खतरा रीजन जो थ्रेड थे जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरा अनुभव है कि सबसे बड़ा थ्रेड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से या जो सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं उनसे जीरो टॉलरेंस हो गया है इससे सरकारी स्तर हम लोग जब कैरियर की शुरुआत किए थे
उस समय मेरी विचारधारा की पत्रकारिता हुई और वैचारिक प्रतिबद्धता की बात कही जाती, लेकिन उस समय कॉन्वेंस भी जो लोग आपकी विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे उनको भी नौकरी करने का अपना कारोबार करने का पूरा अधिकार होता है, और जो पार्टी इम्पावर होती थी वह अपने विचारधारा विरोधी लोगों को भी बिजनेस करने की छूट देती थी, अपना काम करने की छूट देती थी। ये धीरे धीरे इधर कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है कि अगर आप एक विचारधारा विशेष को फॉलो कर रहे हैं तब तो आपको बिजनेस करने का भी अधिकार है, नौकरी करने का भी अधिकार है, और अपना एजेंडा भी आगे बढ़ाने का अधिकार है। आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट मिलेगा, और अगर आप थोड़ा भी क्रिटिकल होने की कोशिश करेंगे या थोड़ा ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ इतने तरह की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी कि जो लोकल गुंडे हैं वो तो बाद में आएंगे, जो सरकारी गुंडे हैं वही आपके दिन हराम कर देते हैं, और आप एक छोटा बिजनेस भी नहीं कर पाते हैं। मीडिया बिजनेस रन करना तो बहुत बड़ी बात है। हम एक मिनट और आपका लेंगे, इसको थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे। और हरेसमेंट का तरीका ये नहीं है कि आपको कोई सड़क पर जाके रोक दे आपकी गाड़ी और आपकी पिटाई करा। हरेसमेंट का तरीका ये है कि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, अगर लाइसेंस मिल गया तो न्यूज प्रिंट का कोटा नहीं अलाट होगा, न्यूज प्रिंट का कोटा अलाट हो गया तो आपका अखबार या आपका चैनल का इम्पैनलमेंट नहीं होगा, और इम्पैनलमेंट के बगैर आपको किसी भी तरह का सरकारी और कॉर्पोरेट विज्ञापन नहीं मिलेगा। तो जब आपको कोई किसी भी तरह की सरकारी मदद सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी और आपको एक लीगल तरीके से बिजनेस करने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो आप सबसे बड़े विक्टिम होगा, उसके लिए किसी माफिया की जरूरत। ये एक नए तरह का खतरा जो आप बता रहे हैं कि किस तरह के डेबिट का खतरा है, किस तरह से बिजनेस को रन किया जाए वो खतरा। अमिताभ जी मैं आपसे सवाल करूंगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठना शुरू हुए, क्षेत्रीय मीडिया के साथ तमाम बार परसेप्शन होता है पेड न्यूज का, मतलब आप चीज देखते हैं खबरें किस तरह से आती थी, जिस तरह जो कहते हैं कि एक दौर का जब अखबार छपकर बिकते थे एक दौर आया जब अखबार बिककर छपते हैं, तो ये जो ये व्हाट्सएप पब्लिसिटी का दौर है जहाँ सवाल भी उठते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कितने गंभीरता से आप क्रेडिबिलिटी पर बात करते हैं क्षेत्रीय मीडिया की। तो 1952 में पहली बार चुनाव हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू
आज तक कोई सरकार जाती क्यों? ये धंधा तो सबको आता है, किसको नहीं आता? सरकारें बदल रही है ना, इसका मतलब जनता समझ में ये, आप कुछ भी प्रचार करिए, अगर प्रचार से ही सरकार वापस आती होती तो सरकारें जाती क्यों? के मन के स्टेट पे शिवराज के मामा को चले जाते, मामा को गए नारा लगाते, चाऊ वाले बाबा क्यों जाते, महारानी क्यों जाते, गई ना। अगर प्रचार से होता विज्ञापन तो उन्होंने भी बोल दिया था, बहुत विज्ञापन दिया था। नहीं, जनता अपना एनालिसिस खुद करती है, एक राय बनाती है, वो हाँ व्हाट्सएप पे थोड़ा संकट बढ़ा दिया, थोड़ा जनता को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, अब चर्चा चार लोगों से उसको करनी पड़ती है कि भैया ये क्या है सच्चाई। व्हाट्सएप ने थोड़ा सा संकट घनीभूत कर दिया, लेकिन ऐसा भी संकट नहीं है कि भारत की जनता का विवेक धार ले सकता। आयुष कुमार जी, रीजनल चैनल है, क्षेत्रीय जो चैनल है उसकी असली ताकत उसके पीछे के स्टिकर्स होते हैं। स्टिकर्स की क्या स्थिति हम सब जानते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है क्या स्टिकर्स की स्थिति को नेटवर्क में बेहतर करने के हम सबको कुछ प्रयास करना चाहिए? क्योंकि जो पहला सवाल होता है स्टिकर्स की क्रेडिबिलिटी पर उठता है और स्टिकर्स की अपने रेवेन्यू मॉडल पर उठता है, तो किस तरह से, मैं आपसे क्षेत्रीय संपादक के तौर पर जानना चाहूंगा कि स्टिकर्स को किस तरह से आप लोग सफल करते हैं? चैनल को चैनल न्यूज़पेपर में दोनों के चूंकि मैंने सब में काम किया है, इसलिए मैं जानता हूँ इससे ज़्यादा मजबूत कड़ी और कोई हो नहीं सकती। हमको ये बात पहचाननी पड़ेगी और आपको बताया रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान स्ट्रिंगर्स का है, कम से कम रीजनल मीडिया में मैं कह सकता हूँ। तो स्ट्रिंगर्स को हमें स्ट्रॉन्ग करने और उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, जब मैं हिंदुस्तान का एडिटर था उस दौरान तमाम जगह के स्ट्रिंगर्स को लेकर के चीज़ें हुई, हमारे एडिटर चीफ से हमारी डिस्कस हुई और डिस्कस होने के बाद में उनके लिए हमने एक ऐसा तरीका बनाया कि वो खबरों से न खेलें और अपनी आय बढ़ा दें, और उसके लिए हमने जो तरीका अपनाया वो इतना सक्सेसफुल रहा कि इत्तेफाक से अखबार का रेवेन्यू भी बढ़ा, सर्कुलेशन भी बढ़ा और दूसरी चीज़ें भी हुई। वो प्रयोग हमने आने के बाद में, चूँकि आप तो पंजाब मार्केट में हम ही दो लोग हैं, कोई प्लेयर हैं, तो उसके बाद में वहाँ पर भी हमने उसकी शुरुआत की है और हरियाणा में भी की है, राजस्थान में भी की है, दूसरी जगह भी की है, और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमें उससे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेनी होती है, खबरों को लेकर के हम कुछ नहीं करेंगे। पेड खबर मैंने अपनी लाइफ में ना देखी है, मैं सब कुछ कह रहा हूँ, ना मैंने देखी है, ना मैंने करी है, और ना मेरे चैनल में कोई चलवा सकता है। ये कम से कम जो रीजनल चैनल्स मेरे सारे मुझे रिपोर्ट करते हैं, और उन सारे रीजनल चैनल्स में मैं कम से कम ये कह सकता हूँ, मेरा जो असाइनमेंट हेड है वो बगैर मेरे पूछे कोई चीज को हिलाता भी नहीं, चाहे मैं चाहे जा रहा हूँ। तो इस चीज को लेकर, क्योंकि मार तब होती है जब हम ये होते हैं कि जल्दबाजी में होते हैं, इतने चला को अभी बात में भी देखते हैं ना, मेरी खबर ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे पहले जस्टिफाई कर लूंगा उसके बाद चले, जब ये होगा मैं अंदाजी की बात से इतफाक रखता हूँ कि कुछ ऐसा होता है, ये मैंने भी सुना, लेकिन चूंकि मेरे सामने नहीं आया ऐसा केस, इसलिए मैं उस पर ये मानता हूँ, क्योंकि आप मौका ही क्यों दीजिए। मैंने इसके लिए तरीका अपनाया था, वो तरीका मैंने इलेक्ट्रॉनिक में भी आकर के अपनाया, डिजिटल में भी अपनाया। जो अभी पीछे पिछले वाले सेशन में तो चर्चा चल रही थी कि उसके MBH के मनन की डेथ की और चली थी, हमने ना अपने अखबार में छापी थी, ना हमने अपने यहाँ डिजिटल पे चलाई थी, और ना ही हमने थी, और उल्टा हम ही पहले व्यक्ति थे जिसने क्लियर किया था कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने थोड़ी देर लगाई। पहले हमारे यहाँ भी हमारे लोगों ने कहा कि ये डिले हो रही है, बड़ी खबर है, हमने कहा रुक जाओ यार, थोड़ी सी 10 मिनट रुक जाओ, मैं चेक करवा लेता हूँ, उसके बाद में इत्तेफाक से वो हमें रेवेन्यू देते हैं, हमें उस मॉडल से चेक करवाने की कोशिश करी, वही स्ट्रिंगर नेटवर्क हमें काम आया, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, वो उनके घर तक घुस गया और वहाँ से उसने बात करा। हाँ, तो हम ये तो मानते हैं कि स्ट्रिंगर हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है, और उसे स्ट्रिंगर स्ट्रिंगर कुछ कहना चाहते हैं।
जर्नलिस्ट हो और वो जर्नलिज्म करे वो ठीक रहेगा, जब वो उसको दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तब कॉन्फ्लिक्ट आता है। इसलिए हमारे में जो जर्नलिस्ट हो वो जर्नलिस्ट है, वो सिर्फ खबरें लाते हैं, उनका काम बिजनेस लाना है ही नहीं, बिजनेस लाने के लिए डिपार्टमेंट ही अलग है। जरूर उनके पास क्वेरी आती है, उनकी क्वेरी आती है, उनका काम है सेल्स को बता दीजिए आप अपना काम करें। जब तक जर्नलिस्ट आई नो ओल्ड स्कूल सो आई फंक्शन है, जर्नलिस्ट का काम खबर लाना है, जर्नलिज्म करना है, वो वही करें, वो जब तक करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट लुक आफ्टर स्पीकर्स पर। अमिताभ जी आपका क्या मानना है किस तरह की मजबूत कड़ी है और किस तरह आप लोग उनको सफल बना रहे हैं? अभिषेक मैं एक उदाहरण दूंगा, सच्चा मुझसे बात ज्यादा हो जाएगी कि वो कहता है काफी दिन की मैं कहता हूँ आगे अभी दैनिक जागरण दिल्ली से लॉन्च हुआ बिजनेस एडिशन, मैं उसमें था तब मैं उसकी संपादक थे, फिर सहयोग आया कि मुझे आउट डिस्ट्रिक्शन के जो एडिशन उनका प्रभाव देखे तो जनसत्ता में एक हमारे मित्र थे वरिष्ठ साथी थे, उनकी सिफारिश चिट्ठी लिख के ले गए एक सज्जन जी के साथ सामने नोएडा से जो छह वाले दफ्तर में प्रकट होता तो बड़ा हो जाता है वह बहुत किस्सा सुना तो उसमें अभिषेक के सारे सवालों के जवाब वो सज्जन आए मेरे पास, दस मील में बारह अंगूठी गले में मतलब उतनी मोटी चेन थी जिसमें आप अपने तो बदी था चाबी भी उस वक्त कार की चाबी पास में थी होती नहीं संपादक के पास में, कमिश्नर के पास एक बीएड थी, हम लोग साइकिल वाले भी नहीं थे, उसका कार की चाबी पार्टी थी तो फिर भी वो मार्टी मर्सिडीज की आ गई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब स्वामी पत्नी या सोनी पत्नी का हर नाम लिया अपना वहां पहुंचा नेशनल मीडिया का और आप बताओ कि 100 चलाने के 100 कपड़ों में 10 के लिए भी ला लेंगे
आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके पास 100 शहर उसके साथ कस्बे ऐसी सब है, तो किस तरह से आप लोगों की खबरों का इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? इसका जवाब दूंगा कि जो बात यहाँ पर चल रही है स्टूडेंट को अगर आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ये मान के चलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए जब मैंने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले ये बंद किया कि आप खबर भेजो बिजनेस में चुकी और सब नंबर टू सिर्फ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम रीजनल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन हमारे देश के जितने भी नेशनल हिंदी चैनल हैं क्या वो नेशनल हिंदी चैनल हैं हमें सबसे पहले ये सोचना होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषी रीजनल चैनल के लिए सबसे बड़ा संकट है आज के दौर में, इसलिए संकट है क्योंकि जो नेशनल हिंदी चैनल है वो सबसे ज़्यादा परेशानी बन रहे हैं रीजनल हिंदी चैनल के लिए क्योंकि पाई बहुत छोटी है और उसी पाई से उनको शेयर जा रहा है, रीजनल को उतना नहीं जा रहा है। आपने कहा इसलिए नेशनल से अगर रीजनल चैनल तो पलामू की भी खबर दिखाते हैं, वो बस्तर की भी दिखाते हैं, दंतेवाड़ा की भी दिखाते हैं और वो तमाम छोटे छोटे इलाकों की खबर भी दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत एयर टाइम होता है, सुबह से शाम तक आप घंटे बनाते हैं, जो खबरें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है वो फास्ट न्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस जिस स्टेट के चैनल हैं उस स्टेट को पूरा महत्व मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो चर्चा यहाँ पर चल रही है कि अगर रीजनल चैनल होंगे तो रेवेन्यू तो अपने आप में सच्चा ही है, उसे झुटला भी नहीं सकते और यही सबसे कारण है कि रेवेन्यू का इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता कि रेवेन्यू का अगर सबसे बड़ा माध्यम कोई आज भी है रीजनल मीडिया में तो सरकार है। सरकार का अगर विज्ञापन नहीं मिलेगा तो रीजनल चैनल को मिलने की परेशानी होगी। पहले गिने चुने रीजनल चैनल होते थे, अब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार के सामने भी संकट है। लेकिन सरकार ये नहीं कहती है कि आप जगह आगे घूमने देखो, अगर आप खबर दिखा दो खबर की इंतजाम सरकार को समझाओ, सरकार ये कभी नहीं कहती है। ये देखना होगा कि आपने अपना आकलन कहाँ किया है, घुटने टेकने पर या खबर दिखाने। पीटीसी न्यूज ने पिछले 10 साल में सरकार से रीजन की एक रुपए का एड ही नहीं दिया। उसकी दो वजह थी, एक तो वो डीएवीपी रेट पे एड देना चाहते थे जो सबसे लो होता है, हमारी टीआरपी सबसे ज्यादा थी, हमारे पास कॉर्पोरेट और दूसरे एड उतरे थे, हमें इतनी सूख नहीं रहता था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली भी डिसाइड से लोही मत लोग नहीं तो फेवर भी नहीं कर रहा, सरकार पर कभी डिपेंड नहीं होना। Journalism should never ever be dependent on governments. You will never have to. जब भी सरकार पर डिपेंडेंट है आप जर्नलिज्म कर नहीं सकते, आप प्रोपेगेंडा छापेंगे। 10 साल हमने पंजाब सरकार से एक रुपए का एड दिए नहीं, अभी भी नहीं लेते। नहीं ठीक है आपकी बात नहीं, उसका बिजनेस लॉजिक भी है। हाँ वो ठीक है, अभी भी बड़े स्तर पर मनोज ने कहा कि क्षेत्रीय मीडिया के लिए बड़ा रेवेन्यू मॉडल होता है, बड़ा खर्चा होता है, तो जो हमको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा कि खबरें अलग हो और बिजनेस अलग हो, जहाँ खबरें और बिजनेस के धार में होता है वहीं गड़बड़ होगा। वाशिक सर आपसे बड़ा सवाल यह है कि यार नेशनल मीडिया अपने आप का एक्सपेंड कर रहा है रीजनल में, जितने बड़े मीडिया ग्रुप साहब अपने रीजनल चैनल लेके आ रहे हैं, तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि रीजनल में कमाई नहीं है, तो उसके बावजूद एक्सपेंडेशन इतनी तेजी से क्यों हो रहा है रीजनल मीडिया में, फिर ऐसा क्या है? यही मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर ऐसा क्या है जब कमाई है कि खतरा भी है तो फिर ऐसा क्या है कि सब रीजनल की तरफ भागे? नहीं मैं सबसे पहले तो रवि जी का एक जो तर्क है उसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जो लोग मल्टी लैंग्वेज चैनल चलाते रहे हैं उनको शायद पता होगा कि अगर आप पंजाबी चैनल चला रहे हैं यूट्यूब इस पर टू रविंदी तो आपको जो अपने देश से या उस राज्य से जितना रेवेन्यू मिलता है उससे 100 गुना ज़्यादा रेवेन्यू ओवरसीज बिजनेस से मिलता है। तो ये जो एटीट्यूड है या जो स्टैंड है वो पंजाबी चैनल पे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं इसके पहले दो मल्टी चैनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका हूँ जिनपे के 16 चैनल और 20 चैनल हुआ करते थे, तो उसमें हम लोग देखते थे जब रेवेन्यू का मंथली और क्वार्टरली रिव्यू करते थे तो देश से अगर उसका पीएनएल हम लोग देखते थे तो घाटे में चलते थे क्या, लेकिन अगर हम वो टोटल रेवेन्यू देखते थे उसका एबिटा जिसको बोलते हैं तो वो चैनल फायदे में चलते थे। तो मैंने सोचा अपने सेल्स हेड से पूछा कि यार ये आप मंथली तो घाटा दिखाते हो और फिर क्वार्टरली दिखाते हो कि इतने का प्रॉफिट है
और हिंदी चैनल सब घाटे में दिखा रहे हो, रेड रेड दिख रहा है। उन्होंने कहा हमको कनाडा से रेवेन्यू आता है। तो रविंद्र जी इसलिए वहां की सरकार की चिंता नहीं करते हैं कि इनको बाहर से रेवेन्यू बहुत आता है, लेकिन अगर यही हिंदी में बिजनेस करेंगे तो इनकी मजबूरी होगी कि बादल की भी चमचागिरी करना पड़ेगा और अमरेंद्र की भी करनी पड़ेगी, है ना। और दूसरा वहां का जो केबल ऑपरेटर है जिसकी मोनोपोली है पंजाब में, उसकी भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो चैनल नहीं लगने दे। डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा, हाँ मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा अभी से। एक नेशनल चैनल पंजाब में अपना पंजाबी चैनल लॉन्च करना चाहता था, बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने सब कुछ सेटअप लगा लिया, स्टूडियो बना लिया, हायरिंग कर ली, वहाँ का केबल ऑपरेटर तैयार नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की सरकार उस नेशनल चैनल से नाराज थी और वो केबल ऑपरेटर उस समय के सत्तारूढ़ दल से जुड़ा हुआ था, तो वह नेशनल चैनल वहाँ रीजनल चैनल नहीं लॉन्च कर पाया, उसको अपना स्टूडियो बंद करके वापस आना पड़ा था। ये हालत है लैंग्वेज चैनल, तो चाहे पंजाब हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या हैदराबाद हो, आपको वहाँ की सरकारों की मर्जी पर रहना पड़ता है। लेकिन पंजाबी एक्सेप्शन है कि तुम पंजाबी का रेवेन्यू मॉडल अलग है, तो इसलिए रविंद्र जी अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होता है मीडिया में, जो ट्रेडिशनल तरीका था वो चार तरीका था, रिटेल एडवर्टाइजमेंट, कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, और चौथा होता था इवेंट से। वो आप कॉन्क्लेव करते थे सरकारें और प्राइवेट पार्टियां स्पॉन्सरशिप देते थे और उससे सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। और एक पांचवा जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया था वो रिटेल रियल इस्टेट। ये नई जो व्यवस्था आई डिमोनेटाइजेशन और GST, तो उसके वजह से सारे कॉर्पोरेट एंड विड्रॉल 50% टोटल रेवेन्यू कम हो गया कॉर्पोरेट एंड का। जो लोग सेल्स के यहाँ बैठे हैं उनको पता हो, रियल इस्टेट कोलैप्स कर गया। बिल्डर जहाँ खाने के लिए पैसा मांग रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपको बिजनेस क्या देगा। अब रही बात गवर्नमेंट एंड और रिटेल एंड, रिटेल एंड भी बंद हो गया GST के वजह से, तो आपका कुल जो दारोमदार है वो सरकारी बिजनेस का। और सरकारों को ये बात पता है, वो यही चाहते भी थे कि मीडिया उनके सामने घुटना टेक के रहे, उनके हिसाब से खबरें छापे, अगर खबर नहीं छपेगी तो विज्ञापन रोक देते हैं। और यार से नहीं, बहुत पुराना उनका हथकंडा है, कुछ सरकारें सीधे वो करती हैं, हम ट्विस्टिंग कुछ लोग घुमा फिरा के करते हैं। तो आज की तारीख में चाहे वो रीजनल चैनल हो या नेशनल चैनल हो, सबकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट बिजनेस पर, और प्रिंट की और टेलीविजन की। और तीसरा जो आपका सवाल है कि रीजनल मीडिया में क्या नेशनल चैनल जा रहे हैं, क्योंकि उनको आसानी होती है आर्म ट्विस्टिंग करने में सरकारों के साथ। और दूसरा उनको इमेज अपना दो तरह का डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करने में भी सुविधा होती है, वो जितना PR स्टोरी है वो रीजनल चैनल में चलवा लेते हैं, और नेशनल चैनल में चार लोग बैठ के स्टूडियो के अंदर से दिन भर पाकिस्तान को बम फेंकते रहते हैं ना। उन्होंने कभी बॉर्डर ही नहीं देखा होगा और ना तमंचा देखा होगा, लेकिन स्टूडियो में वो बैठ के पूरा पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो पेड न्यूज नहीं चलाते हैं। तो उनको पेड न्यूज चलाने की जरूरत क्या है, उनका रीजनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ दिन भर वही चलाते हैं। इसलिए उनके लिए जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ गवर्नमेंट को पोलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करके पैसा मिले, और नेशनल लेवल पर एक ऐसा फोरम चाहिए जिससे वो अपना जो उनका एजेंडा है वो बैलेंस कर सके। अमिताभ जी, एंकर तो बड़े आरोप लगते हैं कि आज के जो एंकर है वो अपना शो खुद करते हैं, खुद ही उसको हाईजैक भी कर देते हैं, तो खिड़की जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो उस पर आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है एंकर उस एक घंटे का राजा है, ठीक है, लेकिन उसकी रेटिंग जनता ही तय करती है। और चाहे फिल्म में काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्री हो, चाहे एंकर्स हो, चाहे खिलाड़ी हो, ये आप लोग जनता का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इनकी रेटिंग अपेक्षा जनता ही करेगी, कौन कहाँ खड़ा है। और मेरे ख्याल से जनता की रेटिंग सबको संज्ञान में लेती है, कोई गुप्त चीज तो है नहीं। जैसे आपने कहा ना कि एनके एक घंटे का राजा होता, तो मेरे भी राजा खत्म हो गई है, क्योंकि सारे आ गए। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में आता हूँ, हम दो या तीन सवाल रह सकते हैं,
जो लोग सवाल ले रहे हैं तो एक बार हाथ लगा के बताएं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा हमको जो सवाल पूछे तो माइक दे वहां पर क्या आज मीडिया अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ पालन कर रहा है? दबाव बनाने की नीति अथवा लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ अनुपयोगी सिद्ध तो नहीं हो रहा? मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से कर रहा है, क्योंकि देखिए जिस चीजों को लेकर के पहली बात भी मैंने कहा, जो जैसा है जहां है उसे हम उसी तरीके से दिखाएं तो एक बेहतर चीज है। जज करने के लिए हमारा देखने वाला दर्शक तो है, पढ़ने के लिए अखबार में जो भी पाठक है वो जज करेगा। इसलिए हमें हमें लगता है कि कोई भी मीडिया हो, जैसा कि अग्निहोत्री जी ने भी कहा, असित भाई ने भी कहा कि जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है वो जज कर देता है क्या है। ऐसी स्थिति में 19-20 कहीं कमियां हो सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मैं समझता हूँ कि मीडिया अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है, उसको लेकर के तमाम प्रोपेगेंडा खड़े किए जाते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जाता है। हालांकि उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई जाती है। जिस तरीके से अभी हमारे और साथी जो हम स्ट्रिंगर नेटवर्क पे बात कर रहे थे तो उस पर भी बात कर रहे थे, हम कहते हैं कि ठीक है स्ट्रिंगर एक ही काम करेगा, हम उसे दे रहे हैं कुछ रुपए और उस पर वो अपना घर भी चलाएगा, वो भी चलाएगा और पत्रकारिता करेगा, क्या ईमानदारी से कर पाएगा? हम झूठ बोलते हैं, मुगालते हैं, वो निश्चित रूप से एक दूसरा काम करता है। जब करता है क्यों ना हम अपने आए उसे रेगुलर उसमें करें कि वो बेईमानी ना कर पाए, उसमें चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाए। तो सेम सी चीज है, जब हम चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बनाते हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, मीडिया भी नहीं खराब होता है और वो अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और वो सहयोग करता है। रीजनल मीडिया जितना बेहतर करता है उतना नेशनल भी नहीं करता। उसका उदाहरण है कि आज तमाम जैसे रविंद्र जी बताएंगे कि पंजाब में पहले कभी भी विधानसभा की लाइव कवरेज नहीं होती। हमने पिछले मतलब इसी 6 महीने पहले जब मैंने ज्वाइन किया आईटीवी नेटवर्क, हमने पहली बार इसको लाइव करने का करवाया, इस बार फिर लाइव हो रहा है और वो हम अकेले भी हमें मिलने का हो सकता था, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अकेले नहीं कवर करेंगे, दूसरे भी चैनल्स को दीजिए। तो क्योंकि ओवरऑल हम मीडिया पर्सनल्स हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम सबके बारे में सोचें और जब सोचेंगे तो हमें लगता है कि हम मार्केट में टिकेंगे भी और हमारे जब कंप्यूटर्स ज्यादा बेहतर ढंग से सामने आएंगे चीजों को कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपसे यही आपकी सवाल से इसी सवाल के बाद भी सब कुछ अच्छा है तो मीडिया का परसेप्शन पब्लिक के बीच में खराब क्यों? देखिए चूंकि देश में बहुत सारी चीजें बढ़ रही है तो हमें ये स्वीकारने में कोई परहेज नहीं है कि मीडिया भी बढ़ रहा है, और इसके पहले भी चाहे हम जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मीडिया समूह के लोग हैं या जर्नलिस्ट हों, ये ज़रूरी नहीं था कि हो सकता है कि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से दोस्ती हो, शाम को मैं उसके घर खाना खाने जाता हूँ, लेकिन मेरी मेरी एंकरिंग में या मेरे टीवी चैनल में वो चीज़ किस तरीके से दिखाई देती हो। लेकिन कुछ दिनों में ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ स्क्रीन पर दिखाई दी हैं, लेकिन जैसा है कि आप कब तक दिखाओगे तब तक उसी चीज़ को थोपोगे। दर्शक बहुत समझदार है और दर्शक जब समझदार था तो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो मुझे लगता है कि बहुत से पीपीएमकर्स के चेहरे पर वो भाव दिखाई दिए, उसमें वो भाव पड़ लिए। तो आप बहुत लंबे समय तक किसी की विचारधारा को प्रभावित नहीं कर सकते, वही हम चिंतन भी कर रहे हैं, मुझे लगता मनन भी कर रहे हैं कि विचारधारा का ये वायरस है ये कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो कोई वैक्सीन आएगा तो उस पर काम करेगा। और बढ़िया इसी के साथ इस पैनल डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जितनी अच्छी अच्छी बातें हमने की है वो हम सबके टीवी चैनल अखबार को उतना अच्छा अच्छा दिखेगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा कि अगली साल में फिर आपको बुलाया जाएगा और आपसे फिर लिख पूछा जाएगा कि अगली साल में आपने कहा था उसका क्या रिफ्लेक्शन हुआ है। इसी के साथ सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया कहता हूँ।